सो व्हाट इज़ अप गाइस, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बहुत यूनिक सी चीज़ें करने वाले हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। देखो यार, बहुत दिनों से मैंने स्मार्टफोन की रिव्यू नहीं करी है और मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्टफोन की रिव्यू भी करा जाए आज के इस वाले वीडियो में। और हमारे पास जो सबसे नई स्मार्टफोन निकल के आई है वो है लावा की ब्लेज प्रो, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। और इस वाले स्मार्टफोन को बहुत सारे लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस स्मार्टफोन ने क्या करा है ना कि इसने फेक एड जनरेट करा है, मतलब फेक एड बनाया है एक कार्तिक आर्यन को लेकर, जो कि मेरे को बहुत भद्दा लगा। अगर आप सही एड नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट फेक तो मत बनाओ, जो कि हमारे टेक्निकल गुरुजी ने साफ साफ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि इसने कैसे फेक एड बना के लोगों को बना दिया। तो इसलिए मैं भी इस वाली ब्रांड से फिलहाल बहुत ज्यादा नाराज हूँ और इसकी स्मार्टफोन जो लावा ब्लेज प्रो आई है इसकी रिव्यू करने वाला हूँ। और देखते हैं इस वाले स्मार्टफोन में कुछ नई चीजें होंगी तो अप्रिसिएट तो करा जाएगा, बट अगर कुछ भी बुरी चीजें निकल के आएगी तो अच्छे से पेला जाएगा। चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस के साथ में। तो इसमें आपको मिलता है मीडिया टेक की हेलियो G37, जो कि एक एवरेज का प्रोसेसर है और हम बोल सकते हैं एवरेज से भी थोड़ा नीचे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा वाला प्रोसेसर नहीं है, इसलिए इसका नाम मीडिया टेक हीलियो है। अगर डायरेक्टली इन लोगों ने स्नैपड्रैगन डाल दिया होता तो यही कुछ 400 के आसपास में आती, तो थोड़ा सा तो डिफरेंस होता यार। तो इसमें आपको मिलता है ऑक्टा कोर 2.3 GHz, जो कि हाँ ऑलमोस्ट मेरे स्मार्टफोन के बराबर ही है, बट हाँ मेरे से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या फिर मेरे अगल बगल में ही हो सकता है, मेरे से ज्यादा नहीं, मतलब मेरे से नीचे नहीं आ सकता, बेलो नहीं है मेरे से। और जिस वेरियंट की मैं अभी बात कर रहा हूँ वो 4 GB रैम पे आती है, तो 6 GB रैम की अभी तक इसकी वेरिएंट आई नहीं है, आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा, बट अभी फिलहाल 4 GB रैम की वेरिएंट इसमें आती है। डिस्प्ले के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको मिलता है 6.5 इंच का डिस्प्ले, IPS LCD है, तो मेरे में भी सेम टू सेम यही है यार, मेरा थोड़ा इससे बड़ा ही हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता, बट ठीक ठीक डिस्प्ले है, ठीक ठाक डिस्प्ले है, बुरा नहीं डिस्प्ले। और सबसे बड़ी बात इसकी डिस्प्ले में 19 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक सी है, मेरे में तो नहीं है, मेरे में 60 Hz होगी, बट 19 Hz मेरे लिए मायने रखते हैं, 19 Hz बहुत स्मूथ होती है, आपको चलाने में काफी स्मूथ फील होगा और अच्छा लगेगा। और मेरे को इसका एक बात समझ नहीं आया, इसमें जो लिखा गया है बेजल लेस विथ वाटर ड्रॉप नॉच, ये क्या होता है मेरे को कुछ समझ नहीं आया भाई, इसमें बेजल लेस के नाम पे कुछ नहीं है, वाटर ड्रॉप नॉच कुछ नहीं है, ये इसमें बस सिंपल सा नॉच है जो कि मेरे स्मार्टफोन में आती है, वही नॉच इस वाले स्मार्टफोन में है, बस उसका नाम थोड़ा अलग अलग करके दे दिया गया है। और जहां पे बेजल लेस दिया गया है इसमें बहुत बड़े बड़े बेजल है भाई, किस नाम पे इसमें बेजल लेस दिया गया है वो भी मेरे को नहीं पता, बट आइए तो बहुत ही गलत बात है यार। चलिए आते हैं इसके कैमरा के ऊपर, कैमरा में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया इस स्मार्टफोन को। और हाँ, इसकी प्राइमरी कैमरा जो है वो 50 MP की और इसमें 6x डिजिटल जूम हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे भी स्मार्टफोन में 13 MP है, बट ये 8x तक जूम कर सकता है वो भी डिजिटल, जो कि मेरे को लगता है इससे बेहतर है। और आप इसमें फुल HD पे 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो, मैं भी सेम कर सकता हूँ, तो मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लग रहा कैमरा के अंदर। और वही फ्रंट कैमरा 8 MP का भाई यार, और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ मेरा 8 MP का कैमरा उस लावा की इस 8 MP की कैमरा से बेहतर होगी, ये मैं गारंटी लेकर कहता हूँ ना। इसका बैटरी बहुत बड़ा कर दिया गया है, 5000 mAh की बैटरी बैकअप है, जो कि काफी ज्यादा है, 2 दिन तो आराम से चल जानी चाहिए मेरे हिसाब से। और वही टाइप सी वाला पोर्ट देखने के लिए मिलता है, जो कि काफी फास्ट चार्जर के साथ नहीं आता, नॉर्मल चार्जर के साथ ही आता है, बट ठीक ठाक है। और जो इसका प्राइस है वो है 464, जो है इसकी वेरिएंट उसकी प्राइस 10,499 रुपये, जो कि मेरे हिसाब से देखो तो काफी ज्यादा ही है और ये ओवर प्राइस है स्मार्टफोन, क्योंकि 10,499 के अंदर बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन आते हैं जो कि इसको बीट कर सकते हैं, इसको कम्पिटिट नहीं कर सकते, इसको बीट कर सकते हैं, इसको पछाड़ सकते हैं, दो भी पछाड़ दे सकते हैं, जिनमें कुछ रेडमी के आते हैं, कुछ रियलमी के आते हैं, और हमारा मोटो का भी कुछ कुछ स्मार्टफोन आता है जो कि 10,000 के अंदर हो, एंड इससे बेहतर स्मार्टफोन हमें निकल के आता है। सिंगल कैमरा सेटअप के साथ आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलेगी, रियलमी रेडमी की 2 या 3 कैमरा सेटअप के साथ मिल जाएगी, बहुतों में तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, और हाँ वो सही है, इससे बेहतर आपको मिल जाएगी 10,499 के अंदर, तो इससे बेहतर डील आप ले लो, बेहतर होगी आपके लिए। एंड आइए, स्मार्टफोन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ऐसा एड के ऊपर नहीं बोल रहा मैं, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी कैमरा, उन सभी चीजों को लेकर के इनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। टेक केयर एंड बाय बाय, मिलेंगे अगली बार वीडियो में।